स्ट्रेंथ ऑफ़ फिनॉलॉ फिनॉ की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये फाइव मिनट में समझते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं किस किस तरह से आपको देखना है एंड कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं सो लेट स्टार्ट विद द ब्रॉडर पॉइंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जो मैंने यहाँ पे अभी लिखी हुई है फर्स्ट इज कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड जब भी आपसे पूछेंगे तो आप ये याद रखना कि जहाँ पे ग्रुप लगा होगा एस ओ थ्री एच ओ सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं आफ्टर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड देन फिनॉल देन वाटर एंड देन अल्कोहल कुछ एक्सेप्शनल केस इन दो केसेस में जरूर हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस इसमें भी जरूर है बट अगर मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करूँ तो इन ऑल टोटल इन एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज़ सल्फोनिक एसिड्स दैन कार्बोक्सिलिक दैन फिनॉलॉल दैन वाटर दैन एल्कोहल and the detailed notes you can able to get in my telegram channel which is mentioned here jee neet with nj एन तो iske pdf aap yahan se load kar sakte सो लेट स्टार्ट विद द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फ़िनॉल तो मैं आज फ़िनॉल की ही एसेटिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ तो आई हैव डिवाइडेड द ग्रुप विच इज़ अटैचड इन फिनॉल तो फिनॉल में कोई ग्रुप अगर लगे होंगे तो वो ऑर्थो पे भी लग सकते हैं मेटा पे भी लगे हो सकते हैं और पैरा पे भी लगा सकते हैं तो so, ये जो ग्रुप्स हैं वो कई टाइप के हैं ब्रॉडली फोर टाइप के फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप विच शोज़ माइनस आई एंड माइनस आर कुछ माइनस आई माइनस आर के एग्जाम्पल्स ले लेते ले हैं तो उसमें से एक तो एल डी आई डी ग्रुप है सी डबल बॉन्डो एच एक है एनओ टू ग्रुप ऑल द ग्रुप विच शोज माइनस आई माइनस आर आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सेकेंड है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जिसका सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है लाइक सी सी एल फोर सी सी एल थ्री एंड नेक्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विच शोज़ प्लस आई इफेक्ट जिसका सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है वो आपका इस कैटेगरी में लाई करता है जिसका प्लस आई इफेक्ट है इसमें मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ये सारे आप ले सकते हो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शोइंग माइनस आई प्लस आर यहाँ पे प्लस आर मैं टू पी ऑर्बिटल से ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ओ एच ग्रुप देखो ओ एच ग्रुप में ऑक्सीजन अगर अटैच्ड है तो ऑक्सीजन शोज माइनस आई इफेक्ट बट लोन पेयर है तो उसका प्लस आर इफेक्ट होगा तो दीज आर द फोर कैटेगरीज ऑफ ग्रुप विच आर प्रेजेंट इन फिनॉल इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तब होंगे जब इस टाइप के ग्रुप लगे होंगे उसके बाद ये उसके बाद सबसे वीकर एसिडिक होंगे ये वाले अब इनमें भी पोजीशन की प्रॉब्लम आती है कि किस किस पोजीशन पे ये चीज़ें लगी होंगी तो अब मैं पोजीशन की बात करता हूं तो या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थोमेटा पैरा पे लगा होगा तो ये सारे ऑर्थोमेटा पैरा के अकॉर्डिंग होंगे तो अब अगली स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि इनके ऑर्थो पैरा और मेटा पोजिशन पर लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा तो दो चीज़ें यहां तक आपको याद रखनी है पहली कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीन सबसे ज्यादा एसिडिक कौन से एसओ थ्री एच वाले उसके बाद कार्बोक्सिलिक देन फिनॉल देन वाटर देन एल्कोहल हम आज किसकी बात कर रहे हैं फिनॉल की तो फिनॉल में कौन कौन से ग्रुप होंगे ये फोर इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा फर्स्ट वाला देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ अब बात आती है ऑर्थोपेरा और मेटा मेटापोजिशन पे क्या फर्क पड़ता है तो उसको समझ लेते हैं फटाफट से तो जैसे अभी जो मैंने आपको समझाया उसको एक बार और लिख रहा हूं इफ द फिनॉल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड ग्रुप विच शोज माइनस आई माइनस आर आर द मोस्ट एसिडिक देन फिनॉल देन द ग्रुप विच अटैच्ड विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैविंग प्लस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट वो सबसे वीकर एसिडिक होंगे ब्रॉडर सेंस में नाउ कमिंग अप टू द फर्स्ट पार्ट मैंने अब पहला पार्ट क्या लिया माइनस आई माइनस आर अब ये माइनस आई माइनस आर वाले ग्रुप कौन कौन से हैं वो ग्रुप हैं आपके एनओ टू वो ग्रुप हैं एल डी हाइड स्टीटोन सी एन और अगर आपके कोई कार्बोक्सिलेट आयन है या इस टाइप की चीजें जिसका भी माइनस आर इफेक्ट है तो अगर माइनस आई और माइनस आर है फिनॉल मै तो उसकी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होगी कि पैरा पोजिशन वाले सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे पैरा के बाद वाले होंगे ऑर्थो के बाद मेटा होगा और मेटा के बाद फिनॉल होगा तो याद कैसे रखोगे सिर्फ ये याद रखना माइनस आई माइनस आर अगर है तो पी ओ एम पी चलेगा क्या चलेगा पी ओ एम पी पैरा ऑर्थो मैटाफिनॉल पी ओ एम पी किसमें माइनस आई माइनस आर ऐसा क्यों क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजिशन से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इंक्रीज करेंगे पैरा ज़्यादा एसिडिक इसलिए क्योंकि ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो अगर नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो इज मोर एसिडिक देन मेटा मेटा इज मोर एसिडिक देन फिनॉल तो अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ है सीओ CHO ग्रुप लगा है कीटोनिक किटोनिक ग्रुप लगा है CN ग्रुप लगा है तो यूज करोगे POMP, माइनस आई और माइनस आर के लिए मूविंग एड टू अगर माइनस आई प्लस आर है एनी ग्रुप विच शोज प्लस आर इफेक्ट फ्रॉम टू पी ऑर ये प्लस आर याद रखना किस ऑर्बिटल एक्सेप्शनल फ्लोरिन को मैं यहां नहीं ले रहा हूँ एग्जाम्पल ओ एच ग्रुप लोन पेयर देखो टू पी ऑर में प्लस आर इफेक्ट है इफेक्टर टू पी ऑर बाइटल में प्लस आर है ओ आर लोन पेयर टू पी ऑर में प्लस आर इफेक्ट है तो इस सबका प्लस आर माइनस आई इफेक्ट है और इसमें जो बच्चों आपको याद रखना है वो ऑर्डर रखना है मेटा देन फिनॉल देन ऑर्थो देन पैरा एम पी ओ पी एम पी ओ पी दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक मेटा क्यों क्योंकि वहां पे माइनस आई हो रहा है माइनस आर नहीं हो रहा मेटा से तो माइनस आर नहीं करोगे फिर पैरा फिर ऑर्थो फिर से पैरा क्लियर हो गई तो मेटा सॉरी फिर फिनॉल फिर ऑर्थो फिर पैरा क्लियर पैरा सबसे कम क्यों है क्योंकि माइनस आई भी दूर होने की वजह से काफी कम हो गया है अगर आप के का ऑर्डर देखोगे तो वो यही आएगा

तो थ्री पी में ऑर्डर चेंज हो जाएगा और ऑर्डर क्या हो जाएगा ऑर्थो देन मेटा देन पैरा एंड देन फिनॉल इसका मतलब मैं माइनस आई के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ माइनस आई डोमिनेट कर रहा है ऑर्थो में नज़दीक है लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको समझाया था कि अगर ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है और प्लस आर इफेक्ट है प्लस आर फ्रॉम टू पी तब ऑर्डर अलग था तब ऑर्डर क्या था तब ऑर्डर था मेटा सबसे ज़्यादा था फिर फिनॉल उसके बाद पैरा वाला और उसके बाद सॉरी उसके बाद ऑर्थो वाला उसके बाद पैरा वाला अब यहां पे ऑर्डर देखो चेंज हो गया कंफ्यूज मत करना जब माइनस आई माइनस आर होगा तो माइनस आई सॉरी माइनस आई प्लस आर होगा माइनस आई डोमिनेट करेगा लेकिन माइनस आई प्लस आर टू पी से होगा तो ऑर्डर ये वाले होंगे कौन से मेटा फिर फिनॉल फिर ऑर्थो फिर पैरा लेकिन अगर टू पी से ज्यादा होगा तो ऑर्डर क्या होगा ऑर्थो मेटा पैरा देन फिनॉल आई होप ये सबको याद रहेगा इसमें कंफ्यूजन भी होता है इसलिए मैं इसको स्पेसिफिकली ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं अगर ग्रुप में सिर्फ फिनॉल में ऐसे कोई ग्रुप लगे जिसका सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है तब भी ऑर्डर आप वही रखोगे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था हेलोजेंस के लिए ऑर्थोमेटा पैराफिन एग्जाम्पल सी सी एल फोर्स ओनली माइनस आई इफेक्ट नो प्लस आर इफेक्ट तो ये माइनस आई अगर इफेक्ट है ऐसा कोई ग्रुप का जो फिनॉल में लगा है या फिर माइनस आई प्लस आर और प्लस आर ग्रेटर देन टू पी अगर है तो उनका ऑर्डर क्या होता है सेम होता है क्या ऑर्डर है ऑर्थो मेटा क्लियर मूविंग टू द ग्रुप इज हैविंग प्लस प्लस एंड हाइपर भी है और हाइपर कॉन्जुकेशन भी है तब क्या ऑर्डर होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपको हाइपर कॉन्जुकेशन को प्रेफरेंस देना है रेदर देन प्लस आई इसलिए इसका ऑर्डर आता है सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं आपके फिनॉल फिर मेटा फिर पैरा और फिर ऑर्थो इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं याद रखना यहाँ पे आप इंडक्टिंग इफेक्ट नहीं देख रहे हो इंडक्टिंग इफेक्ट देखते तो पैरा मेटा से ज्यादा होता मेटा पैरा से ज्यादा क्यों है क्योंकि मेटा पोजिशन पे हाइपर कॉन्जुकेशन उस पॉइंट पे नहीं आता जिसपे ओ नेगेटिव लगा हुआ है इसलिए इसका ऑर्डर हो जाता है फिनॉल देन मेटा देन पैरा देन ऑर्थो फिल ऑल ग्रुप विच शोस प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुकेशन नाउ अब मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है तो मैंने जो ब्रॉडली आपको एक्सप्लेन किया वो कौन कौन सा एक बार लिख लेता हूं तो याद रखना फिनॉल में अगर प्लस आई ग्रुप लगाए तो क्या ऑर्डर है सिर्फ माइनस आई ग्रुप लगाए तो क्या ऑर्डर है और सिर्फ प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं और प्लस आर लगे हैं तो क्या ऑर्डर होगा अगर माइनस आई और प्लस आर लगाए तो क्या ऑर्डर होगा अगर माइनस आई और माइनस आर लगाए तो क्या ऑर्डर होगा अब माइनस आई माइनस आर का ऑर्डर और इस प्लस माइनस आई प्लस आर के ऑर्डर में दो पार्ट है एक और ग्रुप ले लेते हैं माइनस आई और प्लस आर और ये प्लस आर ग्रेटर देन टू पी सो माइनस प्लस आई का अभी समझाया माइनस आई का याद रखना ये ये तो सो so, तो, टोटल कितने ग्रुप हो गए हमारे पास सिक्स अगर ये सिक्स ग्रुप जो मैंने अभी पांच मिनट पहले आपको समझाया वो आपको आता है तो आप फिनॉल के सारी एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया सबका इकट्ठे लेने पर क्या होता है फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है एनओ का जिसका माइनस और माइनस इफेक्ट है सेकेंड वाला है सीसीएल ओनली माइनस है थर्ड है माइनस आई प्लस आर इफेक्ट ग्रेटर देन टू पी वाला क्योंकि थ्री पी और में नेक्स्ट है फिनॉल ऑनली देन मैंने लिया है प्लस आई और हाइपर कॉन्जुकेशन देन मैंने लिया है माइनस आई प्लस आर फ्रॉम टू पी तो याद रखना माइनस आई प्लस आर टू पी सबसे वीकर एसिडिक होते हैं जब मैंने फिनॉलॉल स्टार्ट किया था तो एक चार्ट आपको दिया था उस चार्ट में मैंने समझाया था द ग्रुप विच शोज माइनस आई माइनस आर सबसे ज़्यादा एसिडिक द ग्रुप विच शोज माइनस आई उससे कम एसिडिक द ग्रुप विच शोज जिसमें कुछ भी नहीं लगा है लेकिन माइनस आई प्लस आर है टू पी या सॉरी थ्री पी से ऊपर वो उससे कम होगा तो अब आप इसमें ये चीज़ पूरा ऑर्डर देख सकते हो ध्यान से देखना एक बार वापस से लिख रहा हूँ किसी भी ग्रुप जिसका माइनस आई होगा और माइनस आर होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे किससे उन ग्रुप से जिनका सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है और उससे कम एसिडिक होंगे फिनॉल वाले उससे भी कम एसिडिक होंगे प्लस आई वाले और उस सबसे कम एसिडिक होते हैं आपके ऐसे ग्रुप जिनका माइनस आई है लेकिन साथ में प्लस आर है टू पी से सो so ये पूरे फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ आप इस चीज़ से प्रेडिक्ट कर सकते हो और थो पैरा मेटापोजिशन पे क्या क्या होगा वो मैंने आपको समझाया है आई होप ये चीज़ें आप याद रखोगे और आराम से इसको सॉल्व करोगे इसका पी आपको मैं अपने चैनल में डाल दूंगा जे नीट विथ एन जे ये मेरा चैनल है टेलीग्राम का इस पे आपको इसका पी मिल जाएगा आई होप एक बार और आप इस वीडियो को देखना नोट डाउन करना इससे ज़्यादा फिनॉल में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत